करम नवाजिश, शुक्रिया, मेहरबानी। मैं अनु कपूर आप सभी साहिबान का खैर मकदम करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। यूं तो हर तारीख इम्पॉर्टेंट होती है, हर तारीख में पैदा होने वाला इम्पॉर्टेंट होता है। 11 नवंबर को जो लोग पैदा हुए हैं वो सब निराले हैं, परंतु उन निराले लोगों में से कुछ को हम जानते हैं, कुछ को नहीं जानते हैं। जैसे एक फेमस एक्टर है जिसने शुरुआत अपनी टाइटैनिक फिल्म से की थी, टाइटैनिक फिल्म से वो बहुत मशहूर मारूफ हो गए थे, उनका नाम है लियोनार्डो दी कैप्रियो। वो भी 11 नवंबर उनकी पैदाइश का दिन है। और भारत रत्न मरहूम मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत रत्न है, हिंदुस्तान की शान है, 11 नवंबर 1888 को पैदा हुए थे। इत्तेफाक से आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी यादें हैं, उनका कंट्रीब्यूशन साथ है, लेकिन एक ऐसी हस्ती हमारे साथ है जो हमारे स्टूडियो में है, वो भी अपने कृत्य में, अपने जिगरे में, अपने गट्स में किसी से कम नहीं है। उनका नाम है श्री अचल कपूर। ये नाम रिंग नहीं हुआ होगा क्योंकि बचपन में पूज्य पिताजी और माताजी ने यही नाम रखा था, परंतु सारा आलम जिस नाम से उन्हें पहचानता है, तस्लीम करता है, सलाम करता है, प्रणाम करता है, न जाने कितनों की करियर जिन्होंने बनाए हैं, एक आदर्श भाई, एक बेहतरीन प्रोड्यूसर जिनके साथ मेरा पर्सनल भी कनेक्शन है, ऐसे हमारे हैं आज के मुअज्जिज मेहमान। ख्वातीनों हजरात, देवियों और सज्जनों, मैं बहुत आभारी हूं कि आज हमारे स्टूडियो में एक ग्रेट प्रोड्यूसर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड ए ग्रेट ब्रदर बैठे हैं जिनका नाम है श्री बोनी कपूर। बोनी साहब, मैं सबसे पहले, इससे पहले कि आप बोलें, पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगा अनु, आपने बहुत जबरदस्त इंट्रोडक्शन दिया है और मैं नहीं जानता था कि आपको इतना ज्ञान है कि 11 नवंबर को कौन सी हस्तियां पैदा हुई है, और मैं उन हस्तियों में पता नहीं गिना जाता हूं कि नहीं, पर आपने मुझे जोड़ दिया उनके साथ, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आभारी, हम 92.7 बिग एफएम की पूरी टीम आभारी है कि आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। कब बर्थडे था तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, जस्ट तो कभी भी मना लिया जाए, 11 नवंबर का ये बर्थडे मनाएंगे, आपकी जबानी, आपकी कहानी, जो आपको पसंद हो। बर्थडे बॉय हमारे साथ हैं फेमस प्रोड्यूसर श्री बोनी कपूर। 11 नवंबर बोनी कपूर साहब उनका बर्थडे था। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आप हैं फिल्म इंडस्ट्री के एक स्तंभ, और आज के नहीं, पापा जी को देखा आपने, स्ट्रगल करते हुए देखा। आपकी जबानी सुनना चाहते हैं कि मुझे इतना मालूम है कि 1955 11 नवंबर मेरठ में पैदा हुए थे, तो मेरठ से कब शिफ्ट होना हुआ? देखिए, मेरठ में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स पार्टीशन के बाद सेटल हुए थे जी। और मेरठ क्यों उन्होंने चुना था, क्योंकि वो आए थे पेशावर से, और ओरिजिन था फ्रॉम पेशावर, एंड उनको ऐसा लगा, अच्छा वहाँ पे उनका गुड़ का व्यापार था, ही वॉज ट्रेडिंग इन गुड़ एंड कॉटन एंड शुगर केन फील्ड्स, यूपी में, मेरठ के आसपास, वेस्टर्न यूपी में काफ़ी ज़्यादा हैं, और मेरठ में मंडी भी थी गुड़ की, बट मंडी के अलावा, गुड़ के ट्रेड के अलावा, सबसे ज़्यादा उनको जो चीज़ पसंद आई मेरठ की, वो था उधर का पानी। अच्छा, उनका यह समझना था और कहना था कि भाई उधर का पानी और पेशावर का पानी मिलता जुलता है, सो दे सेटल देयर बिकॉज आई एम द फर्स्ट बॉर्न इन द फैमिली। तो जो हमारे यहाँ की ट्रेडिशन है, फर्स्ट बॉर्न इज ऑलवेज, मतलब इट इज़ द डॉटर इन लॉ हैज गॉट टू गो टू द इन लॉज हाउस। माई फादर एट दैट टाइम वॉज एन असिस्टेंट टू के आसिफ, अच्छा, वर्किंग ऑन मुगले आजम जी, एंड माई मदर वॉज प्रेगनेंट विद मी जी, सो शी वॉज इन मेरठ, नानके चली गई जी, नान, हाँ खैर जो भी, अपने ससुराल जी, अच्छा अच्छा ओके, ससुराल दादाजी थे, हाँ दादाजी थे, तो ससुराल मेरठ में थे, फादर शूटिंग कर रहे थे मुगले आजम की, तो कुछ 2-3 महीने मेरी मम्मी उधर ही थी जब तक मैं पैदा नहीं हुआ, और यही मतलब मेरी खुशकिस्मती है कि मैं ठीक ठाक हालत में पैदा हुआ और मेरठ में पैदा हुआ, इसलिए मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मैं कहता हूँ भैया मैं, मतलब मेरी जन्मभूमि यूपी है पर कर्मभूमि मुंबई है, बिल्कुल मुंबई है, बिल्कुल बोनी साहब। आज हम बर्थडे मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं एक मशहूर मारूफ प्रोड्यूसर, एन एक्सलेंट ब्रदर, एन एक्सलेंट पर्सन जिनका नाम है श्री बोनी कपूर। बर्थडे था 11 नवंबर का, ये बर्थडे मनाएंगे,
आपने के आसिफ को पापा जी असिस्ट किया करते थे। जी जी, मुगल आजम में। एजुकेशन कहाँ हुई? ये मैं ये बेसिक बातें इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके बारे में इंटरनेट पे कुछ बातें हैं नहीं, तो जब भी मेरे मुअज्जिज़ मेहमान आते हैं तो कुछ चीजें मैं जरूर पूछ लेता हूँ उनसे। मेरी एजुकेशन तो मुंबई में हुई पूरी। कौन से स्कूल? मैं चेंबूर में अवर लेडी ऑफ परपेचुअल सेकर हाई स्कूल में मैंने वहाँ से पास आउट किया। घर मैत्री पार्क में? नहीं, उससे पहले हम थे तिलक नगर में। अच्छा जी। तिलक, जब मेरे फादर असिस्टेंट, एक्चुअली जब मुगल आजम में असिस्टेंट थे कुछ दिनों के लिए राज अंकल के, राज कपूर साहब के घर में, क्योंकि घर था नहीं यहाँ पे जी। शादी से पहले तो पापा जी के घर पे, पापा जी मतलब पृथ्वीराज कपूर जी के घर पे मटुंगा रहते थे। शादी के बाद रहने का ठिकाना नहीं था, तो राज अंकल उस वक्त रहते थे शांति बाग में। अच्छा। और शांति बाग में एक आउट हाउस था, तो वहाँ पे एक कमरा था, किचन था, कुदरती एक बाथरूम भी था जी। तो वो कमरा था जहाँ पे परहैप्स आई वाज कंसीव्ड जी। एंड उसके बाद मतलब कुछ, मेरे को लगता है कुछ अरसे बाद, शादी के अरसे के बाद मेरे पेरेंट्स ने तिलक नगर में अलॉटमेंट में उनको एक फ्लैट बोलूँ या खोली बोलूँ, या क्योंकि तिलक नगर में वन रूम किचन के घर थे जी। तो वी हैव बीन ब्रॉट अप, वी वर इनफैक्ट ऑल फोर ऑफ अस, मी, अनिल, रीना, संजय, ऑल फोर ऑफ अस बॉर्न इन तिलक नगर जी। माहौल ऐसा था कि वहाँ पे भी हम मतलब हमारे पेरेंट्स ने हमको अच्छी तरह रखा, कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि ये कैसी जगह है या क्या है जी। और कुछ ऐसा माहौल था कि सिर्फ मैं और अनिल थे जो चप्पल पहनते थे, बाकी लोग उधर बिना चप्पल के घूमते थे, जो हमारा नेबरहुड था। एंड उन दिनों में कुछ ऐसा था नहीं कि भाई चप्पल पहनना, जूते पहनना, उससे कोई इट एंड नथिंग टू डू विद सोशल स्टेट, इट इज जस्ट दैट वी वर लकी दैट वी वर प्रोवाइडेड विद चप्पल्स जी। तो जब हम फुटबॉल खेलते थे तो एक गोल पोस्ट बनता था मेरी दो चप्पलों का और एक गोल पोस्ट बनता था अनिल की दो चप्पलों का। अरे वाह। और खूब फुटबॉल खेलते थे, उधर बहुत बड़ा ग्राउंड भी था, फुटबॉल मैचेस भी होते थे। तो बचपन हमारा तिलक नगर में, मतलब टिल द टाइम आई वाज इन फिफ्थ वी वर इन तिलक नगर। शमी अंकल माय फादर वर वेरी गुड फ्रेंड्स जी। आफ्टर ही गॉट मैरिड टू गीता भाली, तो ऑब्वियसली माय फादर ट्रीटेड एज अ सिस्टर, एंड सो गीता आंटी रिक्वेस्टेड माय फादर टू टेक केयर ऑफ शमी अंकल्स अफेयर्स। सो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ही वाज हिज फ्रेंड कम मैनेजर कम, आई मीन ही वाज लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग। अराउंड 60 गीता आंटी सजेस्टेड, बिकॉज माय फादर नेवर यूज्ड टू ड्रॉ सैलरी फ्रॉम शमी अंकल। अच्छा। इट वॉज ओनली आउट ऑफ फ्रेंडशिप जी। तो खैर मटीरियली कुछ चीज़ की कमी थी नहीं, क्योंकि वो उनका घर भी हमारा ही घर था। वी बट इनफैक्ट छुट्टियों में हम भी उधर जाते थे। अनिल को जो ट्विस्ट सिखाया, थोड़ा बहुत जो डांस अनिल कर पाते, वो गीता आंटी ने सिखाया था। इन्फॉर्मेशन, अनिल कपूर को डांस किसने सिखाया? ग्रेट गीता वाली ने जी। तो हम बच्चे थे मिकी में, और कभी हम राज अंकल के घर पे जाते थे, क्योंकि शुरू में शमी अंकल भी चेंबूर में रहते थे। अच्छा। ओहो, ये मालूम था। हाँ। बाद में शिफ्ट हुआ अल्टा माउंट। हाँ, ये चेंबूर में, जैसे राजंगल का घर देवनार कॉटेज था, उससे थोड़े ही पहले एक और उधर घर था जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर जो ओनर था वो रहता था, और फर्स्ट फ्लोर पूरा शमी अंकल के पास था। अच्छा। तो वहाँ पे मिकी, वो भी मतलब अनिल की उम्र का, हमारे हम एक ही उम्र के, रीमा राजंकल्स डॉटर, तो वी ऑल हैव ग्रोन अप इन दैट एनवायरमेंट वेयर वी वर टुगेदर मोस्ट ऑफ द सम ऑन ओकेशंस लाइक पार्टीज। समटाइम्स जब राज अंकल ने फार्म ले लिया लोनी में, तो हम छुट्टियों के लिए उधर जाते थे। मतलब मस्ती हमें इतनी थी, मैं, अनिल, मिकी, एक बार हमने शमी अंकल की इम्पाला, मिकी मतलब आदित्य कपूर, आदित्य कपूर, हाँ। शमी अंकल की इम्पाला होती थी, हमने कोशिश की थी गाड़ी चलाने की, ये मैं बात कर रहा हूँ लोनी जाने से पहले की। ओके ओके। जब हम स्कूल में थे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में थे, ऐसे थे, तो एक स्टीयरिंग पे था, एक नीचे वो गे अपना ब्रेक और एक्सेलेटर पे था, और एक गियर पे था। तीन लोग एक गाड़ी चल रहे थे, और हमने गाड़ी ठोक दी उनकी पाला, शम्मी कपूर की पाला ठोक दी, हाँ। पेड़ पे लगी और उसका विंडस्क्रीन भी टूट गया था। उसके बाद हम सबकी हालत खराब हुई, पर गीता आंटी वाज ग्रेशियस इनफ, कोई ऐसा वी वर रिप्रिमांडेड, बट कुछ लंबा चौड़ा हमको मतलब ये नहीं हो कि कितने पीट दिया, वो जमाना तो पीटने का भी था, अगर शम्मी अंकल पीट भी देते तो आप क्या कर लेते? कुछ नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, बट वी वर ओनली रिप्रिमांडेड एंड आफ्टर दैट वी रिफ्रेंड। उसके बाद हमने कभी उनकी गाड़ियों को छुआ नहीं। 11th November बोनी कपूर साहब, उनका बर्थडे था। आज हम बर्थडे मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं एक मशहूर मारूफ प्रोड्यूसर, एन एक्सलेंट ब्रदर, एन एक्सलेंट पर्सन, जिनका नाम है श्री बोनी कपूर। तो ये बचपन की बात थी बोनी साहब। काम कहाँ से स्टार्ट हुआ? जाना तो इंडस्ट्री में ही था। तो मेरी पहली फिल्म जो इंडिपेंडेंटली मैंने शुरू की वो थी हम पांच। 78 में हमारी पिक्चर लगी फूल के लिए गुलशन गुलशन, जो मिजरेबली फ्लॉप हुई पिक्चर। और एक रात ऐसे ही लेटे लेटे मैं सोचा, क्या ऐसा करना चाहिए मुझे, मतलब जिससे कि मैं बड़ा प्रोड्यूसर बन सकूं, या एक
अपना नाम अपने फैमिली का नहीं, फैमिली एस्टैब्लिश करो. हाउ डू आई मूव अहेड? टू मूव अहेड फर्स्ट आई हैव गॉट टू पे ऑफ द डेट. तो देन आई एनालाइज कि कौन सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं. तो ज्यादातर प्रोड्यूसर बड़े वही थे जो डायरेक्टर भी थे. अच्छा. या एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे. दो या तीन प्रोड्यूसर थे जो सिर्फ प्रोड्यूसर थे. जैसे एक गफर भाई नेडेड वाला थे, एक एफसी मेरा थे. दे नेवर डायरेक्टेड फिल्म्स, दे ओनली प्रोड्यूस्ड फिल्म्स. देन आई थॉट के हाउ डिड दीस पीपल कम अप. आई मीन द फर्स्ट पिक्चर हैज गॉट टू बी अ स्प्रिंग बोर्ड. पहली पिक्चर आपकी ठीक तक चले जाए या उसमें प्रॉफिट हो जाए तो देन यू आर सेट फॉर लाइफ. आप एस्टैब्लिश भी हो जाते हो, देन यू कैन मनूवर अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो मैंने फिर सोचा कि और कौन है ऐसे प्रोड्यूसर. फिर थॉट मेरा गया साउथ का. तो फादर को मैंने कहा मेरे को चेन्नई जाना है. कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जो हमारी चार पांच पिक्चरें थी उसके नए नए वीडियो राइट्स भी किए थे. कुछ 60,000 रुपये मिले थे. तो 10,000 रुपये पापा ने अपने पास रखे क्योंकि उनकी कोई ज़रूरत थी, और 50,000 मुझे दिए. जा तो चेन्नई, जो तेरे को ठीक लगे कर. तो मैं एक महीना भर चेन्नई में था. रोज़ तमिल पिक्चर, तेलुगु पिक्चर, जो पिक्चर अवेलेबल थी वो देखते रहता था. अच्छा. नेवर गॉट सेटिस्फाइड विद द फिल्म्स दैट आई सॉ कि भाई ये बन सकती है, बन सकती. ऑब्वियसली जो नहीं बिकी थी वो पिक्चरें इतनी कामयाब नहीं थी, इसलिए नहीं बिकी थी या नहीं बनी थी हिंदी में. जो अच्छी थी वो लोगों ने दोबारा अपने आप ही बना ली थी लोगों ने. उधर के जो टॉप प्रोड्यूसर, चाहे वो AVM हो या रामानायडू हो या वासु मेनन हो या जेमिनी, यू नो ऑल दिस, या एलवी प्रसाद. तो बच्ची कुची फिल्मों में मेरे को कोई समझ नहीं आई. एक नई तेलुगु फिल्म लगी थी मनोरी पांडलू, तो मैंने वो थिएटर में देखी. दिस वॉज द 30th डे ऑफ माई स्टे इन चेन्नई. तो पिक्चर देखी, पिक्चर मेरे को पसंद आई. तो मैंने कहा मेरे को ये बनानी है पिक्चर. नेक्स्ट डे एक्सप्लोर किया तो पता चला ये जो तेलुगु पिक्चर भी है मनोरी पांडलू, ये रीमेक है कन्नड़ा पिक्चर का. अच्छा. इसके राइट्स इसके राइट्स कन्नड़ा में मिले, इसके राइट्स बैंगलोर में मिले. बैंगलोर में भाई कौन है? पुटना कनगल है. तो फ्राइडे का रोज था, पुटना कनगल को फोन किया गया. आई वॉज 23 दैट टाइम. एंड पता चला कि ऑलरेडी उधर मोहन सेगल साहब ने भी कुछ रीमेक बनाई है, जैसे करते हुए बोलते रीमेक ऑफ अ कन्नड़ा पिक्चर. तो उनके ऑफिस में फोन किया तो उनके मैनेजर ने कहा भाई ऑलरेडी इधर मोहन सेगल बैठे हैं एंड ही इज ऑल्सो विलिंग टू बाय द राइट, बट वी आर आस्किंग फॉर 50,000 रुपीज एंड बार्गेन नेगोशिएशन चल रही है, कभी भी हम क्लोज कर सकते हैं. ही इज कम अप टू 35,000 और हमको 50 चाहिए. तो मैंने सिन्हा साहब को बोला चलो बैंगलोर. अच्छा, उन दिनों में एयर फ्लाइट इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती थी, तो चॉइस है मतलब चलो बस स्टॉप, बस स्टेशन चलो, बस में चलते हैं. अच्छा, जो 50,000 में लेके गए थे उससे कुछ 4-5,000 बचे थे, बाकी होटल के बिल क्लियर किए, जो प्रोजेक्शन ट्रायल थे उससे क्लियर किए, 4-5,000 कैश बचे हुए थे. एंड एज एन असिस्टेंट मेरी एक आदत थी खुद का, आज तक मेरी आदत, मैं खुद का तकिया लेके चलता हूँ. आई प्रीफर माई ओन पिलो टू स्लीप. अच्छा. खुद का तकिया, खुद का टावल, बिकॉज एज अ फोर्थ असिस्टेंट वी वर ऑलवेज पुट इन टू सी ग्रेट होटल्स. तो द एक्सपीरियंस वॉज के उधर या तो तकिए में खटमल होते थे या हमको सूट नहीं करते थे या तौलिए इतने यूज होते थे गंदे. तो मेरे बैग में कपड़े से ज्यादा तौलिए और तकिए जगह लेती थी. तो इस बार भी मैं जब चेन्नई गया था अपना तकिए लेके गया था साथ में और अपना तौलिए, तौलिए तो खैर बैग में डाल दिया, तकिया नहीं आता था. और तकिए में जब 4-5,000 बचे थे वो डाल दिए और एक हाथ में पकड़े, एक हाथ में तकिए एक हाथ में पकड़ के चित्तूर तक स्टैंडिंग गया. अरे चित्तूर में बस रुकी, सबने चाय वाय पी, सब कुछ की, मैं भी उतरा नीचे, अंगड़ाई ली और चित्तूर से बस में बैठा. मैं सुबह कुछ 6:30 बजे बस बेंगलोर पहुंची. तो हमने ऑटो लिया. तो मैंने सिन्हा साहब को बोला मैं रहूंगा अशोका में क्योंकि उसको इम्प्रेस करने राइट लेने आया हूँ, अगर मैं फटीचर होटल में रहूंगा तो उसको लगे मैं कहाँ पैसे दे सकता हूँ. तो ऑटो पकड़े मैं अशोका होटल गए तो उधर गेट पे रोका गया, ऑटो अंदर अलाउड नहीं है. अरे भाई रुकने आए यार. तो फिर मैंने कहा ऑटो घुमाओ, टैक्सी स्टैंड पे लो. टैक्सी स्टैंड पे गए, टैक्सी में बैठे, टैक्सी में अंदर आए, अंदर गए लॉबी पे रिसेप्शन पे, उसने होलिया देखा जो भी कमरे का रेट था, उसने बोला पूरे दो. अच्छा, आई नेवर लाइक टू शेयर माई रूम ऑल्सो जी. तो मैंने कहा दो कमरे चाहिए. तो उस वक्त शायद उसने मेरे से 2,500 या 3,000 कैश मांगे, 2,500. तो मैं तकिए से निकल गया, कैश भी दे दिया उसको क्योंकि हालत देख के उसको लगा पता नहीं पैसे दे भी पाएंगे कि नहीं. क्रेडिट कार्ड का जमाना था. तो मैंने दे दिया, दो कमरे ले लिए. और फिर मैंने कहा सेना साहब को मैं भी फ्रेश होता हूँ, आप भी फ्रेश हो, और बुलाइए पुटना कनगल को क्योंकि अशोका में है तो कोई भी आ जाएगा उधर. हम कहीं अगर फटीचर होटल में रहते तो हमको जाना पड़ता उनके ऑफिस कि भैया तुम आ जाओ इधर. तो अशोका का नाम लिया तो वो भी आ गए, अपने मैनेजर के साथ सबके साथ सब आए. तो जो जैसे में होता है, मेरे पास 5,000-6,000 रुपये थे जिसमें 2,500 दिए, तो 2,500 बचे हुए थे या 2,500 जो भी बचे हुए थे. अच्छा, जब मैं चेन्नई गया था फादर ने मुझे 2 साइंड चेक्स दिए थे, अगर कोई राइट्स पसंद आए तो पेमेंट करनी तो चेक दे देना. अच्छा. उन दिनों में चेक क्लियरिंग में 1-1.5 महीना लगता था. आउटर्स कोई नेशनल क्लियरिंग नहीं थी. तो अच्छा, और 50,000 कैश भी थे, उनको लगा हो सकता हफ्ते भर में आ जाए पसंद, कुछ कैश दे देना कुछ चेक दे देना.
तो टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन हैड कम इक्विप्ड, तो दो चेक भी थे मेरे पास और कुछ 2,500 रुपये बचे हुए थे। पुटनक नगल सब आए अपनी पूरी फौज के साथ, मैनेजर भी कोई उनके असिस्टेंट भी है, वो मेरे को देख के पहले हैरान हो गए कि ये प्रोड्यूसर पिक्चर का 23 साल का लड़का। तो खैर मैंने बात की, मैंने कहा मुझे राइट्स चाहिए, तो वही उसका मैनेजर बोला कि भाई हमको 50,000 से हम 1 रुपये कम में नहीं देंगे। 35,000 की हमको ऑफर है, 50,000 से कम में हम देंगे नहीं। मैंने कहा मैं 60,000 रुपये 61,000 दूंगा, मेरे लिए 7 का फिगर लेके है। अच्छा 50 नहीं 61 दूंगा मैं आपको। वाह 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 वाह, गट्स गट्स। 1,000 रुपये कैश लीजिए और 2 30,000 के चेक मैं आपको देता हूँ। दोनों चेक उस वक्त, एक करंट डेट का, एक अच्छा चेक की वैलिडिटी उस टाइम पे 6 महीने की होती थी। तो मैंने कहा इफ आई डोंट स्टार्ट द पिक्चर यू हैव गॉट 6 मंथ्स यू कैन डिपॉजिट चेक, उससे पहले शुरू होगी तो उससे पहले डाल देना। अनडेटेड मैंने चेक दे दिया था उनको, साइन किया था पापा का। तो भी खुश, संजय साहब को बोला नीचे जाओ पूरा MOU। अच्छा ही वॉज एन एक्सपर्ट इन दैट, वो नीचे गए टाइप वाइप करके एग्रीमेंट लेके, 1,000 रुपये कैश दिए, एग्रीमेंट बना, 2 चेक उनको दिए, चेक नंबर डाले, डील साइन, ओके, प्रिंट लेके बॉम्बे आए। फादर को पहले मैंने समझाया कि जो मैं पिक्चर लेके आया हूँ जो दिखाने वाला उसका फर्क है, एंड माई फादर से आई विल गो विद माई सन्स बिलीफ। तो खैर इंडिपेंडेंटली मैंने शुरू की, वो थी हम 5। बर्थडे बॉय हमारे साथ हैं फेमस प्रोड्यूसर श्री बोनी कपूर। 11 नवंबर बोनी कपूर साहब उनका बर्थडे था। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुझे एक बार बताइए कि छोटे भाई को लॉन्च किया आपने असल में वो साथ दिन। सर ऐसा है कि देखिए उसकी पहली फिल्म एज ए हीरो लगी वो 7 दिन। हाँ उससे पहले अनिल ने हमारे तुम्हारे में एक छोटा रोल किया था, और जब हम 5 की शूटिंग करते बापू वॉज वेरी इंप्रेस्ड विद अनिल कि ही हैज द लुक्स एंड दिस थिंग। तो अनिल ने एक तेलुगु पिक्चर भी की थी वंश वृक्षम, वो पिक्चर लगी, पिक्चर को अप्रिशिएट किया गया, अनिल के काम को अप्रिशिएट किया। मणिरत्नम की पहली पिक्चर जिसमें मणिरत्नम को ब्रेक मिला पल्लवी अनुपल्लवी कन्नड़ा में, वो पिक्चर भी अनिल ने की। उसके बाद अनिल को पहले एज ए हीरो साइन किया सावन कुमार ठाकुर ने लैला के लिए, लैला के लिए, और उसकी कास्टिंग में भी जावेद साहब ने हेल्प की। कोई बड़ी हीरोइन काम करने को आसानी से तैयार नहीं हो रही थी, बिल्कुल ये भी। तो जावेद साहब ने पूनम दिलन से बात की, एंड दैट इज हाउ पूनम दिलन वॉज साइन। तो दैट फिल्म वॉज अनाउंस्ड अनिल कपूर विद पूनम दिलन। उन दिन में स्क्रीन डबल पेज अनाउंसमेंट आई थी, सुनील दत्त परान अनिल कपूर लॉन्चिंग अनिल कपूर विद पूनम दिलन। सो दैट वॉज अनाउंस्ड फर्स्ट, दैट वॉज स्टार्टेड फर्स्ट, बट वो पिक्चर बनते बनते वक्त लग रहा था। तो मैंने उसके बाद जैसे हुआ तो मैं बोला नाउ आई हैव गॉट अ गुड टेक ऑफ प्लेटफॉर्म, तब मैंने दूसरे राइट्स खरीदे अंधेल नाटकल बापू के साथ। फिर वो 7 दिन बनाए जिसमें अनिल को, मतलब जो अनिल की पहली पिक्चर एज ए हीरो हिंदी फिल्म, हाँ। जिसे हम कहते हैं लॉन्च किया वहाँ। उस जमाने में सुनील दत्त का बेटा संजय दत्त भी लॉन्च हो रहा था, राजेंद्र कुमार का बेटा कुमार गौरव लॉन्च हो रहा था, सनी देओल धर्म जी का बेटा था, अनिल तो एक प्रोड्यूसर का बेटा था। तो पहले दूसरे सब्जेक्ट पे काम किया था जो अनिल ने कहा मुझे ठीक नहीं लगता बोनी, उसके बाद मैं ये रीमेक राइट लेके आया था। पहले कोई और सब्जेक्ट पे हम काम कर रहे थे बापू के साथ, तो ये रीमेक राइट लेके आए। ये पिक्चर जब मैंने ओरिजिनल पिक्चर देखी तो मुझे ऐसा लगा इट्स अ कैरेक्टर ड्रिवन पिक्चर, दिस कैरेक्टर इज वेरी एंडियरिंग। अभी ये राज कपूर का बेटा है नहीं ना धर्मेंद्र का बेटा है, पर जो ये पिक्चर देखने आएगा उसके दिल पे अनिल छा जाएगा। सो दैट वाज द थॉट, प्रेम पर्दा पड़ेगा। सो दैट इज हाउ वी आई गॉट द राइट्स, and that's how वो 7 दिन was made, and the subject was so endearing, बल्कि इसी पिक्चर से इंस्पायर होके बनी है हम दिल दे चुके सर मगर आप देखो इट्स द सेम सब्जेक्ट। जी 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 जी, अनिल वॉज लाइक्ड अप्रिशिएटेड देन उसकी मेहनत। बिल्कुल। बर्थडे बॉय हमारे साथ हैं फेमस प्रोड्यूसर श्री बोनी कपूर। 11 नवंबर बोनी कपूर साहब उनका बर्थडे था। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बोनी साहब अब वो मिस्टर इंडिया में आपकी मुलाकात, जैसे आपने कहा कि उस वक्त तो स्टार वैल्यू तो सिर्फ एक आइकॉनिक एक्ट्रेस हीरोइन की थी जो आज सर क्या हुआ था धर्मपत्नी है। ये मेरी धर्मपत्नी, मेरी ताकत, मेरी सब कुछ हुई है जी। उस वक्त ऐसा था कि शी वाज रूलिंग द रूस्ट एंड नेक टू नेक जयप्रदा थी जी। जोशीले प्लान हुई तो जोशीले में जब जयप्रदा जी को अप्रोच किया तो उन्होंने मना कर दिया मैं सनी देओल के साथ करूंगी, पर सनी के साथ श्री को कास्ट कर लिया था उन्होंने। फिर मेरी की सेम चीज मेरी जंग में ऐसे हो रही थी, शी सेड नो आई विल नॉट वर्क ऑपोजिट अनिल, आई टेक जैकी श्रॉफ तो मैं उसके साथ कर लूंगी, क्योंकि ये हीरो वॉज अ सुपर ब्लॉकबस्टर, बेटा वॉज अ ब्लॉकबस्टर, वॉज अ स्मॉल सक्सेस, इट अप्रिशिएटेड, बट द नंबर्स वर नॉट क्रिटिकल, अप्रिसिएशन मिला, क्रिटिकल मिला, इवन बॉक्स ऑफिस में भी अच्छी गई थी पिक्चर, बट नोवेयर कंपेयर टू बेताब और हीरो और ऑल दीस पिक्चर्स। तो खैर
तो उतना कि सर पे कफन बांध दिया कि अभी तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि जब मैं चेन्नई गया और श्री की मदर से मिला, उन दिनों में शी यूज़ टू चार्ज अबाउट 8-8.5 lakh rupees, तो मैं गया साइन करने के लिए। जैसे कि होता है अगर आपने लास्ट पिक्चर में अनु भाई अपने अगर लाख रुपए लियो तो दूसरा नया प्रोड्यूसर रहता है बोलेगा यार मेरे को 1.5 चाहिए। ये सोच के भाई 1.5 बोलूँगा तो 1.25 तो मिल ही जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि एक मिला हुआ है मुझे। तो वैसे ही उसकी मदर ने कहा, जब मैंने पता किया था शी वॉज सी एट साइन फिल्म 8-8.5 lakh rupees, तो मेरे को उन्होंने कहा 10 rupees, वो लाख नहीं बोलते थे, रुपीज़ बोलते थे। अच्छा, 10 rupees। हाँ, 10 rupees एंड 30,000 फॉर द स्टाफ। आई सेड नो, आई विल पे 11 rupees। अरे बाबा, ये दूसरी बार आपने किया है। वो बेंगलुरु के जो डायरेक्टर थे, क्या नाम है, पटना का लगा, उनको भी आपने 50 की जगह 61 में किया, क्या बात है। तो आई विल पे 11 एंड आई विल पे 50,000 टू द स्टाफ। उन्होंने कहा स्टाफ मस्ट स्टे क्लोज टू द पप्पी अपना श्रीज होटल, आई डोंट नो दे विल स्टे इन द सेम होटल। अच्छा, तो और मतलब ऐसे हमारा। अच्छा एक बात बताइए, ये एज ए प्रोड्यूसर रिस्क था कि कहीं इसमें एक बोनी कपूर का एज ए पर्सन एक प्रेमी भी इन्वॉल्व था, दोनों चीजें बताइएगा। आज तक ये सवाल शायद नहीं पूछा होगा। एक आप प्रोड्यूसर तो थे। हाँ, प्रोड्यूसर, लेकिन तो, हाँ। श्रीदेवी के लिए मन में जो था वो तो प्रोड्यूसर नहीं था ना, वो तो एक नहीं, मन में तो 100% था जब से मैंने उसको पर्दे पे देखा तमिल पिक्चर में। इससे पहले भी मैं साइन करने गया था। अच्छा, वो सिंगापुर शूटिंग कर रही थी उस वक्त, मैं सोच रहा था ऋषि कपूर के साथ पिक्चर इनके साथ बनाऊं, वो अलग ही किस्सा है। तो शी वाज इन सिंगापुर शूटिंग फॉर सम फिल्म। इस बार भी जब गया मन में तो था ही था, मन में तो लड्डू हमेशा फूटते थे जब भी दिखता था इनको। बट एज ए प्रोड्यूसर, अच्छा, आई थॉट दिस हैज गॉट टू हैपन एंड आई हैव गॉट टू मेक इट हैपन बिकॉज दिस इज एन एम्बिशियस पिक्चर एंड आई नीड अ बिग स्टार फॉर दिस एंड देयर इज नोबडी बिगर देन हर एंड एट द सेम टाइम हाउ विल आई स्टैंड आउट amongst the other producers where she is concerned. और दूसरा हीरो मेरे घर का था, मेरा भाई था, उसको तो फीस देनी है नहीं मैंने। लेकिन हीरोइन की नजरों में अगर चढ़ गए तो क्या बात है। खैर, ये अटेम्प्ट नजरों में चढ़ने का सिर्फ वो ही नहीं था, ये था कि आई वॉन्टेड टू लॉक हर टू मेक द पिक्चर द वे वी आई वॉन्टेड टू मेक द पिक्चर। आपको पता है मिस्टर इंडिया ओरिजिनली मैं, जावेद साहब और नरेश गोयल प्रोड्यूस करने वाले थे। अच्छा, जब सलीम जावेद पार्ट हुए तो ये स्क्रिप्ट नरेश गोयल जेट एयरवेज जब सलीम जावेद पार्ट हुए तो ये स्क्रिप्ट जावेद साहब के हिस्से में आया था और कुछ स्क्रिप्ट सलीम साहब के हिस्से में थे। तो इनिशियली ये स्क्रिप्ट हम बनाने वाले थे विद रमेश सिप्पी, जो हमने सोचा था आगे बात बड़ी नहीं। दो मीटिंग हमारी नरेश गोयल के लॉयर के साथ भी हुई, सब कुछ हुआ। तो नरेश गोयल वॉज फंडिंग द पिक्चर, आई वॉज एग्जीक्यूटिंग, मी जावेद साहब नरेश गोयल वॉन्ट टू मेक दिस पिक्चर टुगेदर, गगराज साहब उनके लॉयर थे, दो मीटिंग भी हमने की उनके साथ। यही सोचा था रमेश सिप्पी डायरेक्टर होगा और अमिताभ बच्चन को लेंगे। अच्छा, मिस्टर इंडिया में। मिस्टर इंडिया में। ओ, ये बात वहीं तक रही, पर खैर आगे बात बड़ी नहीं। हाँ, पर थॉट ये था कि भाई, क्योंकि ओरिजिनल पिक्चर कंसीव की गई थी अमिताभ बच्चन के लिए, सलीम जावेद ने कंसीव की थी अमिताभ बच्चन के लिए। ओके, तो इसीलिए ये उस वक्त ऐसा था नहीं कि भाई कोई हमने बातचीत अमित जी से कर ली या रमेश सिप्पी से कर ली, एक थॉट आया बिकॉज जावेद साहब न्यू बोथ ऑफ देम। तो ये था कि भाई अगर ये पैसा का बंदोबस्त हो जाता है तो जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप विल बी दैट। तो खैर दैट डिडंट मटेरियलाइज। पहले जो मैंने पिक्चर लॉन्च किया अनिल के साथ, इट वाज कॉल्ड गोविंदा। अच्छा, अनिल और श्री का फोटोशूट भी किया, मुहूर्त भी किया, बापू ही डायरेक्टर थे। शेखर को मैंने साइन किया था फॉर माय फॉलोइंग पिक्चर। ओके, बट कुदरती कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि मैंने वो पिक्चर ड्रॉप कर दी और उसकी जगह मैंने फिर मिस्टर इंडिया बनाई। बहुत कम मिसालें हैं, जो अभी एकदम मिसाल सामने आ रही है वो ग्रेट राज कपूर की है। एज ए ब्रदर उन्होंने अपने छोटे भाइयों के लिए क्या किया, उन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या किया, उसके बाद अगर कोई नाम मेरे जहन में आता है तो दैट इज नन अदर देन श्री बोनी कपूर। इन्होंने अपने भाइयों के लिए किया, अपने बेटे के लिए किया और आज एक पूरे परिवार को साथ लेके चल रहे हैं। सो बेटा, बेटे को तो मैं बचपन से जानता हूँ, अभी बेटी भी जानवी भी। हाँ, बेटी भी जानवी भी अभी आ रही है, उससे तो मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन आपके दोनों बच्चों से मेरी बहुत अच्छी वाकफियत है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अर्जुन का अभी करियर जैसा जा रहा है कैसा लग रहा है, आर यू हैप्पी? Absolutely happy. He is doing well for himself, established, settled. कोई फिल्म बनाना चाह रहे हैं? मैंने हाँ तेवर बनाई थी उसके साथ, अब जब भी कोई अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा तो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। और बेटी जानवी? बेटी लॉन्च हो रही है, करण जो लॉन्च कर रहा है। अच्छा, उसके साथ भी जब अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा तो बनाऊंगा फिल्म। और आगे आने वाली कौन कौन सी फिल्में हैं? कई फिल्में हैं जी, श्री के साथ भी बनाऊंगा पिक्चर,
उसके अलावा भी तीन चार दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। आते हुए कुछ इन द कमिंग फ्यू मंथ्स यू विल हियर ऑफ ऑल ऑफ देम। देयर आर 4-5 कॉन्सेप्ट्स इन माय माइंड, सम स्क्रिप्ट्स हैव बीन डेवलप्ड, सम आर इन द डेवलपमेंट स्टेज, सम आर इन द कॉन्सेप्ट स्टेज, तो देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैपनिंग। 21 साल के करीबन अरसा हो गया है ग्रस्त, श्रीदेवी जैसी मशहूर और मारूफ हीरोइन के साथ ग्रस्त आश्रम। 22 साल तो अभी मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को एक ग्रस्त जीवन जो है तो वो उसके ऊपर आप डालिए। आज आप घर में घुसते हैं। श्री आई एम वेरी लकी टू हैव, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शी इज द बेस्ट वाइफ any husband can think of, she's the best mother any children can think of, and she's been a strong support to me, strong, very very strong support. Matlab, had she not been there, I wouldn't have gone through the lows of my life in a manner that I, you know, I could cope up with the lows in my life. I have been through highs, I've been through lows, but she's been a rock of, you know, literally rock of Gibraltar supporting me. So she is truly a wife who has stood by me, and I love her too much. There is not an iota of drop from the first day or the first time when I met her. The feelings are the same, the love is the same. In fact, it is growing. जी, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे प्यार भी, और I am seeing more and more finer points, finer qualities in her as a human being, as a wife, as a mother. I mean, she's a perfectionist all the way. Fantastic. थैंक यू बोनी साहब, थैंक यू वेरी मच। 92.7 बिग एफएम के सभी श्रोताओं को मैं बता देना चाहता हूं, आज बड़े शान के साथ कहानियां किस्से सुनाते हुए श्री बोनी कपूर, द फेमस एमिनेंट, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर, ने अपना बर्थडे हमारे साथ शेयर किया, मनाया। मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से आप बहुत खुश होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, चलने का समय हो गया, बड़ा मेहरबानी, बहुत मान दिया, बहुत सम्मान दिया, मेरे सलाम कबूल करें, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।